नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बच्चा, बूढ़ा और जवान, चॉकलेट होती इतनी स्वादिष्ट है कि इसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। सिर्फ बच्चों के लिए समझे जाने वाले चॉकलेट को कैडबरी ने विज्ञापन द्वारा हर वर्ग की ऑडियंस को टारगेट कर सबका पसंदीदा प्रोडक्ट बना दिया। कहीं ना कहीं जब बात चॉकलेट की आती है, उसमें डेयरी मिल्क का नाम तुरंत हमारे दिमाग में आता है। खासकर भारत में इसका पसंद किया जाना और इसके विज्ञापन के हमेशा हमारे दिमाग पर छाए रहने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ग्रॉसरी की दुकान से शुरू हुआ था इसका सफ़र। साल 1824 यानी कि 1824 में जॉन कैडबरी ने बर्गिम की 93 यानी कि 93 बुल स्ट्रीट में एक दुकान से अपने सफ़र की शुरुआत की। जॉन वहाँ कॉफ़ी, चाय और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। अपनी दुकान के दौरान उनका ध्यान इस बात ने अपनी ओर खींचा कि ज़्यादातर लोग चाय और कॉफ़ी से ज़्यादा उनकी चॉकलेट ड्रिंक को पसंद कर रहे हैं। बस इसके बाद क्या था, साल 1831 यानी कि 1831 से उन्होंने चाय और कॉफ़ी को अपनी दुकान से अलविदा कह दिया और अब वो सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक को ही बेचने लगे। उनका यह बदलाव इतना सफल साबित हुआ कि लोगों के बीच इसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी और उसी साल उन्हें चॉकलेट का बिजनेस करने की सूझी। उन्होंने 1831 यानी कि 1831 में क्रूकेड लेन में एक गोदाम खरीदकर इसका कमर्शियल उत्पादन करना शुरू कर दिया। समय के साथ ये लोगों के बीच बहुत मशहूर हो गए, लिहाजा 1847 यानी कि 1847 आते आते जॉन ने अपने भाई बेंजामिन को भी अपने इस धंधे से जोड़ लिया। अब दोनों भाई इसे और बड़े स्तर पर लेकर चले गए। उन दोनों ने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली। 1854 यानी कि 1854 में रानी विक्टोरिया ने कैडबरी कंपनी को अपनी क्वालिटी के लिए रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। आपको बता दूँ, सर्टिफिकेट के मिलने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इन उत्पादों को रॉयल लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन में मशहूर हो चुके कैडबरी के मालिक दोनों भाई 1860 यानी कि 1860 में अलग हो गए थे। जॉन के बाद उनकी कंपनी का कार्यभार उनके बेटे रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी ने संभाला। ब्रिटेन में पूरी तरह से अपने पैर पसारने के बाद अब ये दूसरे देशों में भी बेचा जाने लगा। जॉर्ज कैडबरी ने 1905 यानी कि 1905 में मशहूर चॉकलेट डेयरी मिल्क का आविष्कार किया। हालांकि इसकी रिसर्च में 1897 यानी कि 1897 से ही लगे हुए थे। इस चॉकलेट का नाम एक ग्राहक की बेटी ने दिया था, डेयरी मिल्क, तो यू बनी कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट। वैसे तो कैडबरी ने सबसे पहले इसे 1903 यानी कि 1903 में साउथ अफ्रीका के बाज़ार में भेजा था और इसके बाद पूरे विश्व में मशहूर हो गई। बड़ी तेज़ी से लोगों में मशहूर हो चुकी डेयरी मिल्क चॉकलेट 1948 यानी कि 1948 में भारत आई। जी बिल्कुल, हमारे देश के स्वतंत्र होने के एक साल बाद भारत के बाज़ार में आते ही लोगों के बीच बड़ी मशहूर हो गई। दरअसल इसका स्वाद इतना लजीज था कि लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तभी तो 1948 यानी कि 1948 में भारतीय बाज़ार में इस चॉकलेट का जलवा आज भी बरकरार है। वर्तमान समय में कैडबरी भारत में चॉकलेट के अलावा कन्फेक्शनरी, बेवरेज, बिस्किट और कैंडी का निर्माण करता है। और बात अगर पूरी दुनिया की करें तो आज के समय में 50 से भी ज़्यादा देशों में अपना व्यापार फैलाए हुए हैं। भारत के बाज़ार में मशहूर और अपनी धाक जमाने में कंपनी के विज्ञापनों ने अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।